डंकी ड्रॉप फोर ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली ड्रॉप वन ड्रॉप टू और ड्रॉप थ्री के बाद निकाला ड्रॉप फोर डंकी का। तो इवेंचुअली डंकी का ट्रेलर आया जो सारा कुछ मिक्सचर है भाई। तो इवेंचुअली ट्रेलर में बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पैन इंडिया मूवी जैसे राजकुमार हिरानी की जो भी कोई मूवी है ना वो 100% सुपरहिट मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी कह सकते हैं, जो पावरफुल मूवी। तो डंकी में लोग सोच रहे हैं कि भाई फूटेगा या फटेगा, बिकॉज जितने भी उनकी मूवी थे ना वो बिफोर पैंडेमिक थी। तो पैंडेमिक का जो कॉन्सेप्ट आया ना उस पर सारी मूवी पे एक इफेक्ट आया कि लोग अब घर से उठकर सिनेमा हॉल में बैठना नहीं चाहते, वो घर से उठकर घर में बैठना चाहते हैं, वो शॉर्ट्स और रील चलाना चाहते हैं। आप शॉर्ट्स और रील में इनके ट्रेलर्स को खूब वायरल कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ट्रेलर काफी चीज डिस्क्राइब करते हुए और लास्ट में देशभक्त का जो एक कॉन्सेप्ट था ना वो थोड़ा लग रहा है कि मतलब एक किसी के बायोग्राफिक पे बताने की फुल ऑन प्लान की जा रही है, या कुछ डिफरेंट एक्शन ड्रामा या पेट्रियोटिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट देने वाला है ना उसकी एक कहानी का वर्सेटाइल मोड है। मतलब लग नहीं रहा है कि ये फोड़ देगा, लेकिन अगर ये लिटरली में हमारे दिल पर, क्योंकि उसे एक मोटिवेशन का थॉट्स होता है ना कि अगर दिल पे उतर गया ना तो हर जगह चढ़ जाएगा। मतलब एक नशा का तरह है कि अगर कंठ से उतर गया तो माथे पे चढ़ जाएगा। है खुदा इंटरेस्टिंग ट्रेलर लेके आया ये डंकी का, पावरफुल हो जाएगा। तो कितना वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं टिल देन, बाय।